हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम योर श्रुति टीचर, टीचर ऑफ सीनियर केजी. टुडे वी आर लर्निंग अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट. ओके, आप आज तक आप लोगों ने मेरे ईवीएस के वीडियोस देखे हैं, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अब हमें इंग्लिश में भी पढ़ना है. सो हिमानी टीचर ने आप लोगों को क्या करवाया था, कर्सिव कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों आप लोगों को करवा दिया है. सो अब हमें क्या पढ़ना है, लेसन नंबर 2, वर्ड्स विथ ए साउंड. बच्चों आप लोगों को पता है जैसे कि हिंदी में स्वर होते हैं अ आ ई वाले, उसके बाद व्यंजन होते हैं क ख ग, वैसे ही ये अल्फाबेट जो होते हैं 26 लेटर्स, उसमें 5 लेटर्स जो है वो हमारे वॉवेल्स है, यानी कि स्वर है. वो वॉवेल्स कौन से है, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर्स है वो हमारे अल्फाबेट के स्वर है, वॉवेल्स है. और उसके अलावा जो 21 लेटर्स है उसको हम व्यंजन बोलेंगे. समझ में आया? सो हम लोगों को वन बाय वन करके ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स के बारे में पढ़ना है. सो सबसे पहले आज हमें लेसन नंबर 2 वर्ड्स विथ ए साउंड पढ़ना है. ए साउंड यानी कि जो भी ए लेटर जिस स्पेलिंग में यूज होता है वो स्पेलिंग हमें लिखना है, रीड करना है और लर्न करना है, और बारी बारी से उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, सो लेट स्टार्ट राइटिंग. सो बच्चों, हिमानी टीचर ने आप लोगों को लेसन नंबर 1 अल्फ़ाबेट कंप्लीट करवा दिया है. सो अब मैं आपको लेसन नंबर 2 वर्ड्स विथ ए साउंड सिखाने वाली हूँ. आपको पता है बच्चों, जैसे हिंदी में स्वर होता है अ आ ई वाला, वैसे ही हमारे अल्फ़ाबेट में भी वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं. अल्फ़ाबेट में 5 स्वर होते हैं, वॉवेल्स है. कौन से हैं, ए ई आई ओ यू. सो सबसे पहले हमें वर्ड्स विथ ए साउंड को करना है. इसका मतलब है ए अल्फ़ाबेट कौन से स्पेलिंग में आते हैं वो हमें वो वर्ड्स हमें सीखना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी नोटबुक लो 4 लाइन वाली, उसमें आप जो हिमानी टीचर ने आप लोगों के पास बनवाई है अल्फ़ाबेट वाली, उसी में आपको लिखना है. यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालो लेसन नंबर 2. पहले हम डेट डाल देते हैं 28/5/2020. ओके, सो लेट स्टार्ट लेसन नंबर 2. ओके, लेसन नंबर 2 कौन सा है, डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स, डब्ल्यू आई टी एच विथ वर्ड्स विथ ए वॉवेल्स. ओके, ए वॉवेल्स के बारे में पढ़ना है, ए एस ओ यू एन डी साउंड. समझ में आया, यानी कि ए साउंड ए लेटर का यूज होता है, वो वर्ड्स हमें लिखना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन से लेटर वर्ड्स है वो हम पहले लिख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज ए रैट, रैट यानी चूहा. तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है स्पेलिंग, सबसे पहला नंबर डालो आर ए टी रैट, रैट यानी चूहा. ओके, फिर सेकंड लेट कौन सा है, ये क्या है, ये बिल्ली है ना. हाँ, तो बिल्ली को हम क्या बोलेंगे, कैट. तो क्या लिखना है हमें, कैट. कैट की स्पेलिंग क्या आएगी, सी ए टी कैट. अब हमें एक बात तो भूल ही गए, सबसे पहले हम ए साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए के नीचे अंडरलाइन. समझ में आया. फिर तीसरी कौन सी है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए हैट, हैट यानी टोपी. समझ में आया, तो उसकी स्पेलिंग लिखो एच ए
टी हैट, हैट में ए कहाँ है, उसके नीचे अंडरलाइन। फोर्थ, व्हाट इज दिस, दिस इज ए मैट, मैट यानी हमारे घर में जो बिछाया हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट बोलते हैं, एम ए टी मैट, मैट ए के नीचे अंडरलाइन। व्हाट इज दिस, वैन, इसको तो सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि आधे बच्चे तो वैन में ही आते हो ना स्कूल, हाँ तो वैन, वी ए एन वैन, वी ए एन वैन, अंडरलाइन ए लेटर, ओके। और व्हाट इज दिस, मैन, सिक्स नंबर मैन, एम ए एन मैन, मैन यानी, मैंने यहाँ पे और भी वर्ड्स लिखे हैं जो हम चेक कर लेते हैं, ये क्या है, बैग, बी ए जी बैग, बैग यानी आप लोग जो बुक्स भर के लाते हो वो बैग। फिर बैट, बैट यानी आप जो क्रिकेट खेलते हैं वो बैट, बी ए टी बैट। व्हाट इज दिस, दिस इज ए कार, कार यानी सी ए आर कार, गाड़ी। व्हाट इज दिस, टैप, टैप यानी नल, टी ए पी टैप, ओके। सो आई रिपीट अगेन, आर ए टी रैट, रैट यानी चूहा, सी ए टी कैट, कैट यानी बिल्ली, एच ए टी हैट, हैट यानी टोपी, एम ए टी मैट, मैट, वी ए एन वैन, एम ए एन मैन, मैन यानी आदमी, बी ए जी बैग, बैग यानी हमारा जो बैग होता है वो स्कूल बैग, कोई भी बैग हो, बी ए टी बैट, बैट यानी क्रिकेट जो खेलते हैं वो बैट, सी ए आर कार, कार यानी गाड़ी, टी ए पी टैप, टैप यानी नल जो जिसमें से पानी आता है उसको हम क्या बोलेंगे, नल को टैप बोलेंगे। सो बच्चों ये आपको वन बाय वन करके सारी स्पेलिंग रीड करनी है, आपको रीडिंग आना चाहिए, ऐसे जैसे आर ए टी रैट, कैट, हैट, मैट, वैन, मैन, ऐसे अगर आप कोई भी आपको पूछे तो तुरंत आपको पढ़ना आना चाहिए, तो आपको ये लर्न करना है, ऐसे रीडिंग करते हुए लिखना है आपको। जब भी आप लिखोगे ये टू टाइम्स आपको होमवर्क करना है, जब भी आप लिखोगे बोलते हुए लिखना, तो आपको ये स्पेलिंग अच्छी तरह से याद रह जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही, इसकी हम एक्सरसाइज कल करेंगे, ओके। सो आपको वर्ड्स विथ ए साउंड यानी कि ए लेटर किस किस, कौन से स्पेलिंग में यूज होता है वो आपको लर्न करना है, समझ। तो देखा आप लोगों ने कि वर्ड्स विथ ए साउंड हम लोगों ने स्पेलिंग टेन स्पेलिंग हम लोगों ने आज लिखी है, 10 वर्ड्स लिखे हैं जो आप लोगों को लर्न करना है, रीड करना है, रीड कैसे करना है वो आपको सीखना है। आर ए टी रैट, रैट, सी ए टी कैट, ऐसे आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर कोई भी आपको उठा के कार का पिक्चर दिखाए तो आपको उसकी तुरंत स्पेलिंग बोल लेनी है सी आर कार। बैट का पिक्चर दिखाए बी ए टी बैट, ऐसे आप लोगों को आना चाहिए। इंग्लिश में एक्सरसाइज जब हम करेंगे तब क्या होगा कि आपको सिर्फ पिक्चर दिए जाएंगे, उसकी स्पेलिंग आपको खुद लिखनी पड़ेगी। 10 वर्ड्स आपको करने ही पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, रीडिंग करना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना, आप लोग रीड करो, लर्न करो आप, और हम कल एक्सरसाइज करेंगे, ओके। सो बाय बाय।